आज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आ गए हैं बहराइच का भूल भुलैया। ये काफ़ी फेमस है और ये बहुत अच्छा है और यहाँ पे आप लोग आइए। तो यार ये कौन सा इलाका मुझे ये भी नहीं पता, बट हाँ बहराइच से 40 किलोमीटर दूर है और ये यहाँ भगड़वा बाजार है और ये यहाँ पे भगड़वा बाजार का थाना है, बस वहीं से आप आ जाइएगा भाई। पुलिस चौकी के मतलब भगड़ में जो पुलिस चौकी है बस उसी के जस्ट सामने ही बना हुआ है ये भूल भुलैया बहराइच का। ये भी नहीं पता है कौन से राजा ने बनवाया था, बहुत तगड़ा बना, भी आपको दिखाते हैं। कोई राजा नहीं बनवाया होगा, हम जैसे लोग तो ये नहीं बनवा पाएंगे फ़िलहाल। और भाई ये देखो, इसके यहाँ मतलब ये भूल भुलैया के पास बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं और अभी वहाँ पर नदी भी है जिसमें लोग नहाते हैं। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे नहाने से सारे रोग मिट जाते हैं और मोहित भाई भी नहाएंगे मेरे सामने इस वीडियो में। तो भैया ये देखो भाई, राजा कोठी ऐसा लग रहा, मुझे पर्सनली ये लग रहा ना, ये कोई कोठी है राजा का। लोग इसे बोल रहे हैं भूल भुलैया है और कोई भी इसका मतलब हिस्ट्री नहीं जानता क्या है इसका वजूद, ठीक है, कहाँ से ये उठा, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, कुछ सही नहीं है। ज़मीन तो बहुत ज़्यादा है, आगे भी पीछे भी, ठीक है। और ये देखो भैया, उस ज़माने में बिना सरिया सीमेंट कैसे इतना तगड़ा बन जाता था। उस समय के आर्किटेक्चर कितने महान होते थे, इस ज़माने में तो सब बेकार ही हैं, जैसे कि मेरे मोहित भाई हैं, ठीक है। और भैया आप देख लो, अरे भाई पूछो ना। तो अंदर का भी हम लोग अभी परमिशन लेके जाने को मिलता है, अंदर का भी हम लोग दिखाएंगे आपको। और ये देखो, अरे भैया देखो, दिखा रहे, बहुत तगड़ा बना हुआ है, आप लोग आइए यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है जब ऐसी जगह देखो। और पर्सनली मैं बता दूँ ना, मुझे ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है जिसमें रहस्य हो और कोई मतलब अच्छी चीज़ या उसका सच्चाई जानो, हमें पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मोहित भाई हमारे साथ में, इन्हें तो 100 में से 105% अच्छा लगता है। और भैया ये देखो, ये मेन गेट है, ठीक है, और यहाँ पे सारे बच्चे हैं और यहाँ पे बकरियाँ आती हैं घास चरने के लिए और मैं आया हूँ ब्लॉग करने के लिए, ठीक है। और भैया ये अरे भाई पूछो ना, कोई जवाब ही नहीं है। कौन सा हम लोग की मूवी आने वाली है, पर्सनली हम लोग यहीं पर शूट करेंगे, बात भी हो चुकी है, बताएँगे जब मूवी आएगी यार। और भैया ये देखो, और अभी 1,20,000 का हम लोग DSLR ले लिए हैं और बहुत जल्द आ जाएगा भाई। और ये जो वो है इधर, अभी हम बाद में दिखाते हैं। और ये देखो, ये बाहर का है, ठीक है, अभी अंदर का फिर दिखाते हैं। देखो कि यार कितना तगड़ा बना हुआ है मेरे भाई। और मोहित भाई तो रोज़ आते हैं शाम को, पता नहीं किसके साथ आते हैं, हमें पता ही नहीं है, लेकिन आज पकड़े गए हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये जो बना हुआ है ये, ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे पुलिस वुलिस लोग खड़े होते थे, ऐसा अगर राजा कोई रहता होगा तो यहाँ पे। पर्सनली यहाँ पे एक नल लगा है, पानी पी सकते हैं, पानी भैया बोतल में भर लो जाके, और ये इससे पानी नहीं पी जा सकते। और मेरे भैया ये देखो, ओ माय गॉड, और इधर ही नहर है, इसका मतलब भैया समझो क्या है, ठीक है। और ये देखो, और अंदर इधर दिखाते हैं, देख लो भैया हम अभी दिखा रहे हैं, देखो ना कोई सरिया ना कोई सीमेंट, साफ आप ना निकलना भैया, बहुत वो है। और ये देखो, देखो देखो तेरी, ये देखो इसकी लंबाई ऊंचाई। वैसे इसका नाम बहराइच की कोठी राजा की, मतलब राजा कोठी बहराइच होना चाहिए, ऐसे लोग इसको भूल भुलैया कहते हैं। अभी रुक रुक, एक चीज़ मिल गया, रुक तक देखते हैं। अबे भाई यहाँ पे जीना लगे हुआ है, हाँ मोहित भाई जीना है का? हाँ। का बोलते हैं तुम्हारे इधर? अरे यहाँ पे रानी सगरा था ना, इसीलिए रानी सगरा। व्हाट द मीन बाय रानी ठगड़ा? अबे यहाँ पे पानी बहुत है, बहुत पानी है अंदर, अंदर इसके पानी है, अंदर पानी बहुत, इसीलिए ऐसा बंद कर दिया है। अच्छा ये बंद है, इसीलिए हम लोग को जाने नहीं दिया गया। ये देखो ऊपर का पीपल के पेड़ जहाँ लगते हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान रहते हैं, और मैं कोशिश करूँगा भगवान से मिलने के लिए। ओह माय गॉड, हेलो, तो भाई हम बकरी जी, हेलो बकरी जी, हेलो। अरे अभी हम दिखाते हैं बकरी जी, लगा हुआ है ये देखो, बहुत प्राचीन काल, पता नहीं कब का बना हुआ, बहुत पुराना कोठी है।
और ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ अंदर पता है अंदर बहुत सारी वो हैं, मतलब गेट लगे हुए हैं, तो इसका तो नहीं पता चला क्या मतलब है। अबे सब लॉक ही लगे हैं यार। अरे यार अच्छा लगता है ये सब देखने में मिलता है था। और ये मेन गेट है भैया, ऐसे इसके अंदर जाया जाता है। अभी इसका अंदर बाहर पार दिखाएंगे आपको, पहले बाहर का देखो। अंदर ज़्यादा जाने की कोशिश मत क्या करो तुम लोग, ठीक है। हाँ ये गेट, एक कमरा यहाँ पे लेंगे हम। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, अरे बाप रे, अरे यार, अरे भाई, अरे यार, अरे बाप रे बाप, पूछो ना कबूतर लोग रहते हैं। चलो हेलो दोस्तों। अरे बाप, बहुत पुराना है भैया ये देखो। किसके लिए बनवाए थे राजा साहब ने पता नहीं। चलो ठीक है भाई, ठीक है। और यहाँ पे सारे बच्चे हैं और यहाँ पे बकरियाँ आती हैं घास चरने के लिए, और मैं आया हूँ ब्लॉग करने के लिए, ठीक है। और भैया ये, अरे भाई पूछो ना, कोई जवाब ही नहीं है। कौन सा हम लोग की मूवी आने वाली है? पर्सनली हम लोग यहाँ पे शूट करेंगे, बात भी हो चुकी है, बताएंगे जब मूवी आए। अंदर आ गए हैं वो जो भूल भुलैया है बहराइच का, तो ये अंदर का सीन है ये देखो। और ये अंदर मंदिर बनी हुई है, और अभी हम जाकर आपको दिखा रहे हैं। भैया दरवाजा लगाया था, निकलने वाला है। ये देखिए जैसा मूर्ति बनी हुई है, और ये देखिए देखो, मैंने बोला था कि पीछे से भी दिखाएंगे आपको, पीछे से देखिए। ये देखिए वही भैया बने, ठीक है। देखो फिर इसके जस्ट बगल में देखो, ये वही नदी है जिसमें अभी मोहित नहा कर आए हैं। देखो भैया ये वही मंदिर है, ठीक है। जो लोग अभी हम अभी अंदर गए थे, वो अंदर गए थे। तो भैया देखो नदी कहेंगे कि नहर कहेंगे, का कहेंगे इसको? नदी, दैट इज नदी, दैट इज बहुत बड़ी है। बाढ़ आती होगी तो सब फुल हो जाता होगा। इसके अंदर जाने को नहीं मिला, अंदर गए थे बट ऊपर अगर जाने को मिलता तो काफ़ी अच्छा रहता, ठीक। तड़ान तड़ान, अरे भैया ये देखो, ये देखो। ठीक है आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले नई वीडियो।